श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हो, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, साथ ही साथ दोस्तों हर शुक्रवार के दिन या फिर किसी भी शुक्रवार को आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने से दोस्तों धन की लेकर जो भी समस्या होगी वह समस्या दूर होगी, क्योंकि आप लोगों को इस उपाय को शुक्रवार के दिन करना है। कहा जाता है कि शुक्रवार का दिन स्वयं माँ धन की देवी माँ लक्ष्मी का दिन होता है, तो आप लोगों को इस उपाय को शुक्रवार के दिन किसी भी समय आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। और किस प्रकार से करना है वह जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, लेकिन किस प्रकार से करना है वह इस वीडियो के माध्यम से सुन लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हर बार की तरह कॉमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो दोस्तों आप लोगों को मात्र शुक्रवार की रात्रि में कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं, कुछ ऐसे कुछ पावरफुल शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वजह से धन को लेकर जो समस्या होती है वह दूर होती है। तो दोस्तों आज शुक्रवार के दिन कहा जाता है कि शुक्रवार की रात्रि के समय आप लोगों को एक कागज लेना है, पीले कलर का कागज आप लोगों को आज रात्रि में लेना है। और पीले कलर का कागज लेकर दोस्तों आप लोगों को उस पीले कलर के कागज पर मात्र 61 बार आप लोगों को लक्ष्मी धनु ये शब्द आप लोगों को 61 बार लिख देना है। 61 बार लिखने के बाद में दोस्तों आप लोगों को बीच में माँ लक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र आता है उसे लिख देना है। उसको लिखने के बाद में एक लंबी लीक आप लोगों को खींचनी है लाल वाले पेन से, और फिर आप लोगों को अपनी जो मनोकामना है उसको लिख देना है, और आप लोगों को फिर नीचे एक बड़ा वाला स्वास्तिक बना देना है और उस कागज़ को अपने पर्स में हमेशा हमेशा के लिए रख लेना है। इस कार्य को करने से दोस्तों धन की लेकर जो समस्या होगी वह खत्म होगी, साथ ही साथ माँ लक्ष्मी आपके साथ हमेशा रहेगी। तो इस प्रकार इस अचूक उपाय को अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।